नमस्कार मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार बोल रहा हूं एक ऐसी खबर को लेकर आपके बीच में हूं जिसमें अमेरिका की जागरूकता दिखाई पड़ती है लेकिन दुनिया के बाकी देशों को भी उससे ये सीखने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों की फिक्र कैसे की जा सकती है हुआ यह है कि अमरीका में सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं जैसे मेटा जो कि फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इनकी मालिक है मार्क जुकरबर्ग जिसका चेहरा है जिसको पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था बाद में उसको मेटा नाम से जाना जाता है इसके पास कई ब्रांड कई प्लेटफॉर्म हो गए इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है या फेसबुक है ये सब इसी एक मालिकाना हक की कंपनियां हैं या ब्रांड हैं ये कंपनी इसके साथ साथ जो टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन हो चुका है ये हिंदुस्तान से परे दुनिया के बहुत सारे देशों में चालू है अभी अमेरिका उनमें से एक है अमेरिका में इस बात को लेकर फिक्र होती है कि टिकटॉक को चालू रहने दिया जाए कि न चालू रहने दिया जाए क्योंकि टिकटॉक पर जो भी कंटेंट पोस्ट होता है वो चीन के कंप्यूटरों पर दर्ज होता है चीन में मौजूद कंप्यूटरों पर दर्ज होता है ऐसा मानना है लोगों का इसलिए चीन की दखल चीन की जासूसी रोकने के लिए टिकटॉक को अमेरिका में बैन करना चाहिए ऐसा कई लोगों का कहना है लेकिन आपको मालूम है अमेरिका कारोबार के मामले में एक उदार देश है और वो काफ़ी हद तक इस बात की छूट देता है कि लोग कारोबार करें उसके ऊपर बंदिशें कम लगाता है हिंदुस्तान में एक समय इंस्पेक्टर राज कहलाता था एक फूड इंस्पेक्टर एक एक्साइज इंस्पेक्टर जाके कारोबार को बंद करवा देते थे अब माना जा रहा है कि हिंदुस्तान भी मनमोहन सिंह के समय से उदारीकरण के रास्ते पर बढ़ते बढ़ते काफ़ी कुछ दूर हो गया इंस्पेक्टर से लेकिन मैं बात हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की वहाँ पर जो कल तक ट्विटर था अभी एक्स नाम है उस कंपनी का उसके सीईओ तो टिकटॉक के सीईओ तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जो कि सबसे जाना माना चेहरा है टेक्नोलॉजी कंपनियों में ये संसदीय जांच समिति के सामने पेश हुए इसका वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आप देखिएगा कि एक देश की पार्लियामेंट उसकी जो संसदीय जांच समिति बनती है उसमें दोनों पार्टियों के या किसी देश में ज्यादा है तो ज्यादा पार्टियों के लोग भी रहते हैं वो किस तरह से उस देश के सबसे बड़े कारोबारियों को बुला के किस तरह से वहाँ उनको ग्रिल करती है ग्रिल कहना कहते हैं भून देना जैसे गोश्त के टुकड़े को या सब्जी के टुकड़े को या पनीर के टुकड़े को ग्रिल कर दिया जाता है आग पर भून दिया जाता है ऐसा ग्रिल करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों को बड़े बड़े मीडिया मालिकों को बुलाकर Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I've, Would I'm, you like to do so now? Well they're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all gone through. It's terrible to go through the things that your families have suffered, and this is why we invest so much and are going to continue doing industry leading efforts to to make sure that no one has to go through the types of things that your families have suffered. You know. Why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I, I think I've already answered this. I mean, this is... These well, are try this again. Will you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at that. To well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI oh, tools nonsense. that your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? Will you set up a compensation fund Senator, with your money? I think these are with your money, Senator. These are complicated. 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 Yes, th issues. no. That, that's not a complicated I, I, question, though. That's Senator, a yes or no. Will you set up a victims' compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no. Senator, I don't think that that's uh, my job is to Sounds make sure like that we a build no. good tools. My, my job like a is no. to make sure that we... your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them are you here. You've done nothing to help them, you've done nothing to compensate them, you've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. <laughs> घेर कर ये कहा कि तुम्हारे हाथों पर बच्चों का खून है तुम्हारी कंपनी ने बच्चों को मरने के लिए खुदकुशी करने के लिए बेबस कर दिया मजबूर कर दिया वहाँ के सांसदों ने कहा कि पीछे ऐसे बच्चों के माँ बाप बैठे हुए हैं क्या तुमको लगता है कि तुमको खड़े होकर इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए देखो पीछे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से जिन बच्चों ने खुदकुशी की है जो मर गए हैं उनके माँ बाप पीछे बैठे हैं देखो क्या ऐसी मौतों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए तुमको कि नहीं मांगनी चाहिए मेरे हिसाब से एक किस्म से मार के जो वर्ग के सीने पर बंदूक रख कर वहाँ की संसदीय समिति ने मजबूर किया कि वो मुड़ के देखे खड़े हो मुड़ के देखे आंखों में आंखें डाले माँ बाप के सिर झुकाए और उनसे माफ़ी मांगे किया मार्क जूकरबर्ग ने वो और संसदीय समिति ने कहा कि तुम्हारे हाथों पे लहू है ऐसे बेकसूर बच्चों का ये किस्सा क्या है क्यों ऐसा हो रहा है और हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए इसमें सबक क्या है मैं आज इसी पे बात करने के लिए यहाँ आपके बीच हूँ दरअसल जितना तरह का सोशल मीडिया है दुनिया में उसमें छोटे छोटे बच्चे भी 12 साल 13 साल 11 साल के बच्चे भी उसमें चले जाते हैं शायद उम्र कुछ लोग गलत भी बतला देते होंगे चले जाते हैं वहाँ पर बच्चों से सेक्स के जो शौकीन लोग हैं किसी तरह के कई तरह के ब्लैकमेलर, कई तरह के दूसरे सेक्स की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोग जिनको बच्चों की नंगी तस्वीरें देखना अच्छा लगता है वीडियो देखना अच्छा लगता है ऐसे कई तरह के मुजरिम वहाँ पर लगातार सक्रिय रहते हैं कई तरह के मुजरिम नतीजा ये है कि ये लोग बच्चों को देख कर वहाँ पर उनसे दोस्ती करते हैं उनको संदेश भेजते हैं उनको झांसे में रख कर उनको भावनात्मक रूप से फंसा कर किसी साजिश में उनकी नंगी तस्वीरें ले लेते हैं उघड़े बदन के वीडियो ले लेते हैं उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं उनसे पैसा वसूलते हैं बालिग लोग तो अपनी समझदारी के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं वो बच्चे ऐसे जाल में फंस जाते हैं और फंस के इनमें से कई बच्चे खुदकुशी कर बैठते हैं ये एक तरीका हुआ दूसरा ये है कि खाते पीते बच्चे जो हैं कई लोग वजन बढ़ जाता है किसी का मोटापा किसी का कुछ कई तरह की दिक्कतें रहती है इन बच्चों को सोशल मीडिया पर घेर कर जिस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है जिसको बुलिंग कहते हैं कि उनको वहाँ पर घेर कर लोग तरह तरह से नीचा दिखाते हैं उनका मजाक बनाते हैं हीन भावना के शिकार हो के वैसे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं ये दूसरी बात हुई तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक खास किस्म की काया एक ख़ास किस्म के बदन छरहरा बदन जो बारबी डॉल जो है उसके जैसा बदन पाना या किसी जिम में जाने वाले किसी बॉडी बिल्डर जैसा बदन पाना इसको लेकर बच्चों के ऊपर इतना सामाजिक दबाव रहता है सोशल मीडिया पर कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं भूख से मर जा रहे हैं कुपोषण का शिकार होकर मर जा रहे हैं बच्चे ऐसी कई तरह की मौतें हुई है वहां पर सैकड़ों मौतें हुई है अमेरिका की संसदीय जांच समिति ने जब इसकी सुनवाई चालू की घेरा वहां पे कंपनियों को बुलाकर फटकारा उनको और कहा कि यह नहीं चलेगा कि आप कमाई करते चलो और बच्चों की हिफाजत बच्चों की मानसिक सेहत तो उसके ऊपर खर्च ना करो जो जुर्म हो रहे हैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर ब्लैकमेलिंग हो रही है बच्चों की अश्लील तस्वीरें बुला रहे हैं लोग उनको फांस रहे हैं जाल में इन सबसे बच्चों को बचाने के लिए करना पड़ेगा कुछ न कुछ मैं इन कंपनियों का क्या कहना है वो भी बतलाता हूँ फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा उसकी तरफ से मार्क जुकरबर्ग ने उसके मुखिया की हैसियत से ये कहा कि उनकी कंपनी में लोगों की हिफाजत के लिए चालीस हजार सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं ये संख्या बड़ी लग सकती है कि चालीस हजार सुरक्षा कर्मचारी हैं लेकिन दसियों लाख कर्मचारी जो हैं फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करते हैं खरबों डॉलर की इसकी कमाई है जिसका मैं शून्य भी नहीं गिन सकता ऐसी कमाई वाली कंपनियां जाहिर तौर पर काफ़ी कुछ नहीं कर रही हैं जो उनके पास पैसा है उस पैसे से कर सकती हैं और नहीं कर रही हैं तो कारोबार के मामले में सबसे उदार देश अमेरिका उसके सांसद वहाँ के अफसर वहाँ की सरकार जिस तरह से बाह मरोड़ रही है कंपनियों की कि ये काफ़ी नहीं है बच्चों की हिफाजत के लिए और कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश करूँ तो इन्होंने वहां खड़े होकर माफी मांगी है मुझको लगता है कि मार के जोकर वर्ग वहां से निकल कर जब अपने घर गए होंगे तो आईने में चेहरा देखा होगा और सिंक पे जब हाथ धो रहे होंगे तो उन्हें देखा होगा कि इसमें लहू है क्या हो सकता है कि नल के पानी के नीचे उनको अपने हाथों में लहू दिखा हो, हो सकता है नींद में ऐसा उनको दिखे मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दिखे तो अमेरिकी की अमेरिका की सरकार वहाँ की संसद अपने लोगों को बचाने के लिए बच्चों की हिफाजत के लिए इस दर्जे की कोशिश कर रही है मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान आ जाता हूँ हिंदुस्तान में भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंस्टाग्राम है छोटे छोटे बच्चे रील बनाते हैं कई लोग रेलवे पटरियों पर रील बनाते मर गए हैं कोई ट्रेन के इंजन पर चढ़कर रील बना रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं वो गिर के मर जाते हैं जल जाते हैं ऐसे ढेरों मौतें होती है रील बनाते हुए लेकिन बनाते हैं लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं दोस्तों के बीच में बांटते हैं उनकी एक दुनिया ही वहाँ सोशल मीडिया की हो गई है अब समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ जो खतरे हैं जो हिंदुस्तानी बच्चों के खतरे हैं उसको अमेरिका की सरकार नहीं देख सकती उसको यहीं की सरकार को देखना है मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैंने भारतीय संसद की ऐसी कोई कमेटी देखी है और ऐसी कमेटी है हमारे यहाँ हमारे यहाँ सूचना तकनीक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई संसद की कमेटी है सांसदों की कमेटी है क्या हमने ऐसा कहीं सुना है कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बुलाकर उनकी खाल धड़ी हो खाल धड़ी मैं एक जुबानी बात के तरह से कह रहा हूँ मैं किसी के साथ हिंसा करने की बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन क्या हिंदुस्तान में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के लोगों को बुलाकर संसद की कमेटी ने ऐसा कभी कहा है कि आपके हाथ पर हाथों पर बच्चों का लहू है कम से कम मुझको याद नहीं पड़ रहा है मैं दूसरी चीज देख रहा हूं हिंदुस्तान में तकरीबन हर दिन देश में कहीं ना कहीं कोई ऐसे बालिग लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्वीरों को वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं इस बात को समझने की जरूरत है दो लोग अपने फोन से अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक दूसरे को भेज रहे हैं इसमें जुर्म एक अलग हो सकता है लेकिन जब उसको सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं तो इसकी एजेंसी भी पश्चिमी देशों में बसी हुई है जो पूरे दुनिया के इंटरनेट पे इसको तलाशते रहती हैं इस पर नजर रखती हैं ऐसी एजेंसियां हिंदुस्तान की सरकार को बताती हैं कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश के देवास शहर की लोकेशन से इस नंबर के मोबाइल फोन से इस इंटरनेट कनेक्शन से ऐसी अश्लील वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें बच्चे को दिखाया गया है तो भारत सरकार से प्रदेश सरकार को संदेश आता है और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हर महीने दो चार ऐसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं लेकिन क्या भारत सरकार खुद होकर भी बच्चों को बचाने की ऐसी कोई कोशिश कर रही है मैंने अभी ढूंढने की कोशिश की मुझको ऐसी जानकारी पहली नजर में नहीं मिली है ऐसी जितनी जानकारी मिली मुझको उसमें से अधिकतर अमेरिका की है पश्चिमी देशों की है विकसित देशों की है हालांकि भारत भी अपने आप को विकसित कहता है लेकिन यहाँ से मुझको ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी को सीमित करने के लिए क्योंकि हर देश के सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग हैं सामाजिक पैमाने अलग अलग हैं अमेरिका में बच्चों को लेके जिन बातों पर रोक टोक लगाने की बात हुई है जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में वैसी ही बात हो यहाँ पैमाने और अलग हो सकते हैं उस देश में मोटापा एक समस्या हो सकती है यहाँ पर हिंदुस्तान में लोगों का रंग एक समस्या हो सकती है किसी का सांवला या काला होना उसकी खिल्ली उड़ाने का सामान बन सकता है वहां की सरकार वहां की संसदीय समिति कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की खिल्ली उड़ाने के जितने तरीके हैं उनमें हीन भावना भरने के कुंठा भरने के जितने तरीके हैं उन सब को खत्म किया जाए और इसकी जिम्मेदारी कंपनियों पर डाल रही है सरकार सरकार इसकी चौकीदारी नहीं करना चाहती सरकार चाहती तुम पैसा कमा रहे हो तुम ही हिफाजत करो बच्चों की तुम ही और कर्मचारी बढ़ाओ कंटेंट हटाओ जो करना है करो लेकिन ये नहीं चलेगा मेरा मानना है कि संसदीय समिति ने जिस अंदाज में अमेरिका के टेक्नोलॉजी कंपनी के एक सबसे बड़े मुखिया को वहां पर माफी मांगने पर मजबूर किया है और आपने देखा किस टोन में मजबूर किया ये आसान बात नहीं है मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी बात है ऐसा वही संसदीय समिति कर सकती है जिसके अपने हाथ साफ हों जिसके अपने हाथ किसी तरह की किसी कंपनी के एहसानों की किसी कारोबारी के एहसानों की कालिख जिन हाथों पर न लगी हो वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिन लोगों ने जिन सांसदों ने ये किया आपने देखा वीडियो में जिस अंदाज में उन्होंने किया है मुझको लगता है कि किसी भी देश को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इसी तरह कोशिश करनी चाहिए आज मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ सोशल मीडिया पर बच्चों से परे होकर थोड़ी सी बात कर लूँ तो फेसबुक है ट्विटर है जिसका नाम अब एक हो गया है इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा नहीं देखता लेकिन इनको देखता हूँ इन पे देखता हूँ मैं बच्चे तो बच्चे बड़े जो हैं वो जिस अंदाज में किसी को घेर कर मार रहे हैं वैचारिक रूप से असहमति होने पर असहमत व्यक्ति से जिस तरह का बदला चुकाया जा रहा है जिस तरह उसको घेर कर मार रहे हैं जिस तरह से उसको माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है उसके बच्चों के साथ बलात्कार की धमकियाँ दी जा रही है ये अंतहीन सिलसिला है और बहुत से चर्चित लोगों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है पुलिस में मुझको अभी तक मालूम नहीं है कि इसमें गिरफ्तार लोगों को क्या सजा हुई है सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में जो कार्रवाई होती है उसको भी लोगों के सामने रखना ताकि दूसरे लोग संभल सकें हिंदुस्तान में मुझको लगता है कि बच्चों को इस तरह से घेर कर ब्लैकमेल करना मारना शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि हिंदुस्तानी बच्चे अमेरिकी बच्चों जितने स्वतंत्र नहीं हैं अमेरिका में बच्चों को बाहर काम करने की किसी रेस्तरा में काम करने की कार धोने की कहीं और कुछ घंटे काम करने की एक छूट रहती है उनको बढ़ावा दिया जाता है उनके जेब में कुछ पैसा आता है और हो सकता है ब्लैकमेलर को वो पैसा दे सकें हिंदुस्तान में ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी अपने बच्चों से तब तक काम करवाना नहीं चाहते जब तक वो मजबूरी ना हो यहाँ बच्चों को काम सीखने के लिए बढ़ावा देने की संस्कृति नहीं है तो यहाँ बच्चों को हो सकता है कि उतने आसानी से ब्लैकमेल न किया जा रहा हो लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जिस तरह से बच्चों की अश्लील फोटो और उनके वीडियो आ रहे हैं सामने और हर दिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो रही है देश में तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में भी सरकार को संसद को मीडिया को इन सब को जागरूक होकर एक ऐसी सावधानी लादने की ज़रूरत है इन कंपनियों पर कि तुम केवल यहाँ से कमाई करके नहीं जा सकते आपको मालूम है कि जब कोई कारखाना कहीं खुलता है और उस कारखाने से प्रदूषण फैलता है तो उससे एक जुर्माना वसूला जाता है उससे अगर पेड़ कटते हैं कारखाने के लिए या खदान के लिए तो उनसे पैसा लिया जाता है ताकि क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षारोपण हो सके ऐसा ही मुझको लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों से हिंदुस्तान की संसद और यहाँ की सरकार को भी दबाव डालकर ये करवाना चाहिए कि आप यहाँ से गंदगी सांप्रदायिक गंदगी अश्लील गंदगी जातिवाद की गंदगी धर्मांधता की गंदगी सभी तरह की खत्म करवाना चाहिए मैं सिर्फ अश्लीलता को मुद्दा नहीं बना रहा हूं अश्लीलता तो जिंदगी का एक पहलू हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जिंदगी के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें एक दूसरे से नफरत करना जो सिखाया जा रहा है जाति के आधार पर धर्म के आधार पर प्रांत और रंग के आधार पर इन सब के बारे में संसदीय समिति को आवाज़ उठानी चाहिए जिसमें अकेली सरकार नहीं रहती विपक्ष के लोग भी रहते हैं अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों के लोग संसदीय समिति में रहते हैं यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आती है अमेरिका में संसदीय समिति की जो सुनवाई होती है चाहे उसके सामने ट्रंप को पेश होना पड़े चाहे बिल क्लिंटन को पेश होना पड़ा था जिसको भी पेश होना था उसका जीवंत तो प्रसारण होता है पूरा अमेरिका देख सकता है कि हमारे कौन से सांसद इनसे क्या पूछ रहे हैं और ये क्या जवाब दे रहे हैं पूरा देश देखता है उसको हिंदुस्तान में नहीं है वो हिंदुस्तान में अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और कुछ एक हाई कोर्ट कुछ किस्म के मामलों की टेलीकास्ट उन्होंने अभी शुरू की है संसदीय समितियों की जितनी बातचीत है जितने सवाल जवाब हैं इसमें यही होना चाहिए जनता को देखने की जानने की आज़ादी होना चाहिए तभी जाकर सांसद ईमानदारी से और बेहतर काम कर सकेंगे जनता की नज़रों से परे रहकर नहीं कर पाएंगे जनता की नज़रों के सामने रहकर ही वो बेहतर काम कर पाएंगे मैंने बात शुरू की थी अमेरिका की संसदीय समिति से लेकिन मैं उसको दुनिया के बाकी देशों तक भी ले जाना चाहता हूँ मैं चूंकि हिंदी में बोल रहा हूँ हिंदुस्तान के लोग ज्यादा देखेंगे इसलिए मैं यहाँ के बारे में बोल रहा हूँ कि यहाँ की संसद को इस बारे में देखना चाहिए और मैं केवल संसद की बात नहीं करता राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कई बातें आती होंगी राज्यों को भी देखना चाहिए राज्यों की विधानसभाओं को भी देखना चाहिए कि क्या वहां की कोई कमेटी किसी ऐसी कंपनी के बारे में कोई सुनवाई करने का अधिकार रखती है क्या विधानसभाओं की समिति को भी सोचना चाहिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अधिकारों का खुलासा भी धीरे धीरे होता है हर अधिकार पहले नहीं थे सूचना का अधिकार कुछ साल पहले लागू हुआ देश में उससे हमको जानकारी पाने का हक मिला उसके पहले तक नहीं था मुझको लगता है कि विधानसभाओं को ऐसी कंपनियों को बुलाकर उनसे बात करने का हक होना चाहिए देश की संसद अकेली पंचायत नहीं है देश में आपने देखा होगा अभी कुछ अरसा पहले कुछ ही महीने हुए हैं जब तमिलनाडु को लेकर एक विवाद सामने आया कि वहाँ पे बिहार के मजदूरों को मारा पीटा गया उनके साथ हिंसा हुई इसका एक वीडियो फैलाया गया चारों तरफ यूट्यूब पर सोशल मीडिया में बिहार का मनीष कश्यप नाम का एक नौजवान था यूट्यूबर कैटेगरी में आता है शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं उसने जिस तरीके से इस हिंसा का एक वीडियो बनाकर डाला जो नहीं हुई थी जो झूठा वीडियो था उस पर तमिलनाडु पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था एक तनातनी हो गई थी बिहार और तमिलनाडु के बीच में अनावश्यक तनातनी बिहार की गरीबी का हाल यह है कि वहाँ के लोगों को पूरे देश में जाकर मजदूरी ढूंढनी पड़ती है काम ढूंढना पड़ता है ऐसे बिहार के लोगों को लेकर अगर बाकी हिंदुस्तान में एक नाराज़गी हो जाए तो यहाँ की रोजी रोटी खत्म होगी और वहाँ पर मजदूर मिलना मुश्किल होगा देश की एकता भी खत्म होगी उससे ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो बच्चों से जुड़े हुए काम नहीं करते लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता धर्मनिरपेक्षता इसके खिलाफ काम करते हैं सोच समझ के काम करते हैं मुझको लगता है कि संसदीय समिति को ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन लोगों के बारे में भी पूछना चाहिए कि आप इनको ब्लॉक क्यों नहीं करते समय रहते ब्लॉक क्यों नहीं करते भड़काऊ बातों को रोकते क्यों नहीं है बहुत सी भड़काऊ बातें अंधाधुंध भड़काऊ बातें सोशल मीडिया पर देखने मिलती हैं मुझको नहीं रोकते हैं ये प्लेटफार्म कहने के लिए कहते हैं कि हम ट्विटर पर इतने लोगों को हमने लगा के रखा है कंटेंट रोकने के लिए नहीं रोकते हैं आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए लिखना चाहिए सोशल मीडिया पर जो भी आपका तजुर्बा है कई केस ऐसे यहाँ सामने आते हैं कि लोग फांसी लगाकर जान देने वाले हैं और उसका एक लाइव चालू कर देते हैं मेरा ये ये मेरी जानकारी में है कि फेसबुक वगैरह जो है इनमें कंपनी के पास ये सुविधा है कि अगर ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो उसके वीडियो को देखकर कर कंपनियाँ पुलिस को फोन करती हैं और पुलिस दौड़ के जाकर उनको बचाती है मुझको लगता है कि ऐसे खुदकुशी को रोकने की ऐसी कोशिशें और बढ़नी भी चाहिए आज बस मैं इस बारे में ही बात करना चाहता था और ये कंपनियाँ इतनी बड़ी हैं कि दुनिया के बहुत सारे छोटे देशों से ज़्यादा बड़ी हैं दर्जनों ऐसे छोटे देश हैं जिनकी कमाई मेटा से कम है मार्क जुकरबर्ग के हाथ में इतने पैसे का नियंत्रण है जितना दुनिया के शायद 25-50 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होगा इसलिए जो ऐसी दैत्याकार और दानवाकार बन चुकी हैं कंपनियाँ इनके बारे में सोचने की जरूरत है कि कैसे इनकी बाह मरोड़ कर देश का कानून कैसे इनकी बाह मरोड़ कर इनको मजबूर करे कि आप अपने प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित बनाएं जिसको देखकर बच्चे बड़े खुदकुशी न करें हीन भावना के शिकार न सोचिएगा आप भी इस बारे में लिखिएगा टिप्पणी आपकी क्या राय है यहां पे लिखिएगा आप सोशल मीडिया पे अगर प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर लिखिएगा हम आपसे फिर मिलेंगे आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा लाइक कीजिएगा लिंक इसका दोस्तों को भेजिएगा टिप्पणी लिखिए हम आपसे फिर मिलेंगे एक छोटी सी अपील चलते चलते अगर आप सिगरेट बीड़ी तमाखू गुटखा का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए कैंसर इनको सूंघते हुए इनके पीछे पीछे पहुंच जाता है आप तक सीधे सीधे तो जान केवल ऐसे शौकीन लोगों की लेगा वो लेकिन एक कैंसर मरीज के इलाज में पूरे का पूरा परिवार मर जाता है पूरा परिवार बिक जाता है लोग जो हैं दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं मत कीजिए ऐसा शौक़ तंबाकू को आज ही छोड़ दीजिए फिर मिलते हैं